हेलो एवरीवन, वेलकम टू राखीज़ ब्लॉग। और आज के इस ब्लॉग में हम बनाएंगे चाय। चाय बनाना सभी को आता है, फिर भी एक घर से दूसरे घर में जाके चाय पियो, या एक शॉप से दूसरे शॉप पे जाके चाय पियो, या फिर अपने मम्मी के हाथ का चाय पियो या बीवी के हाथ का चाय पियो, सबके चाय में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। आई एम गोना शेयर माई वे ऑफ मेकिंग टी। इट्स वेरी सिंपल, राइट? येस, इट्स वेरी सिंपल। स्टिल हर घर का चाय अलग होता है। यहाँ पे सभी लोगों को चाय बनाना आता है और सभी लोग शायद बहुत अच्छा अच्छा चाय बना लेते होंगे, बट मैं बड़ी वर्स्ट थी चाय मेकिंग में। और अभी जब मैं बहुत अच्छा चाय बनाने लगी हूँ, जब मुझे मेरे हस्बैंड से अप्रिशिएशन मिलने लगा है बिकॉज ऑफ माई टी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सभी के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि मेरे जैसे लोगों की कमी थोड़ी ना होगी दुनिया में। ऐसे लोग तो बहुत होंगे ना जिन्हें चाय बनाना नहीं आता होगा, तो वो लोग देख लेना मेरा वीडियो जिनको चाय बनाना नहीं आता है। और अगर आपको मुझसे अच्छा ज़्यादा चाय बनाना आता है तो भाई मुझसे भी शेयर कर लेना, भाई आप लोग कैसे अच्छा चाय बना लेते हो। ताकि अभी तो मैं सिर्फ इनकी फ्रेंड बन पाई हूँ, क्या पता आप लोगों की रेसिपी शेयर करके और आप लोगों का रेसिपी ट्राई करके शायद मैं इनकी लव ऑफ लाइफ बन जाऊँ, है ना? तो अगर आपको मुझसे ज़्यादा अच्छा चाय बनाना आता है, डू कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन एंड शेयर योर रेसिपी। और अगर आप मेरे जैसे हो जिसको 10 साल लग गए चाय बनाना सीखने में, तो प्लीज़ 10 साल मत गवाइए और मेरा चाय का रेसिपी ट्राई कीजिए। आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टी। हाँ जी, 10 साल मत गवाइए। तो आएँ, ज़्यादा बात ना करते हुए चाय बनाना स्टार्ट करते हैं। चाय बोलूँ या क्या बोलूँ, रॉकेट साइंस है मेरे लिए। तो 10 साल में मैंने ये चाय बनाना सीखा है। सो इसकी इतनी, इस चाय की उतनी ही इज्जत है, मतलब जितनी पता नहीं किसकी। बट ये प्लीज़ गिव रिस्पेक्ट टू दिस टी रेसिपी। हाँ, ऐसे नहीं कि मतलब चाय बनाना सीखना पड़ेगा, ऐसे प्लीज़ डोंट गिव दिस काइंड ऑफ रिएक्शन। गिव गुड रिएक्शन लाइक वाओ, such a wonderful tea, we don't know how to make tea, like this kind of wow kind of reaction please I expect. aisa nahi ki chai banana seekhna padega, please don't give that kind of reaction, don't judge my tea. Yeah, ye hai meri mummy ka secret ki chai ka pani pehle acche se ubal lo, uske baad usme ekdam boil condition, boil state pe jab pani aa jaye to uske andar tea dalo to extract the flavor. ये फर्स्ट जो सीक्रेट है वो मुझे समझने में कई साल लगे, क्योंकि जब हम ग्रो कर रहे होते हैं ना, तो हमें ये लगता है कि जो हमें आता है वो बेस्ट है। और जैसे कोई हमें कुछ बोल रहा होता है कि अरे ये ट्राई कर लो, वो ट्राई कर लो, तो हमें ये लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो बेस्ट है। तो मैं पहले क्या करती थी, चाय मतलब मैं हमेशा दूध में बनाती थी, पानी नहीं यूज़ करती थी, तो मेरी चाय मतलब बहुत थिक बन जाती थी। और ऐसा शायद बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि चाय अगर 100% दूध में बन रहा है और उसमें अगर आपने पानी नहीं यूज़ किया है तो शायद आप बहुत अच्छा चाय बना रहे हो, बट इट्स नॉट ट्रू। मुझे ये समझने में 10 साल लगे। टी का जो रियल फ्लेवर होता है ना, वो तभी आता है जब आप पानी को बॉइलिंग कंडीशन पर ला के और उसके अंदर टी डालें और पूरा वो बबल्स। अब जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, बोल के समझ में नहीं आएगा बिकॉज इट इज़ अ रॉकेट साइंस। टी मेकिंग इज़ अ रॉकेट साइंस, वरना मेरे 10 साल थोड़ी बर्बाद होते। देखिए हमारा जो वाटर है जो हमने टी के लिए लिया है, ये मेरी मम्मी का सीक्रेट है, फर्स्ट सीक्रेट, कि इसको बॉइलिंग कंडीशन पे लाते ही अब हम इसके अंदर डालेंगे टी और इसका एक बबल्स निकलेगा, पूरा ये भर जाएगा। अभी जो फ्लेवर आ रहा है ना, दिस इज डिवाइन। अब इसका कलर चेंज हो जाएगा वाटर का। तो दिस इज द टी इज रेडी। नो, तो ये हो गया फर्स्ट सीक्रेट, जो मुझे पहले ऐसा लगता था कि शायद मम्मी से कुछ सीखने की क्या ज़रूरत है, चाय बनाना कौन सा रॉकेट साइंस है, पूरे दूध में डालो चाय पत्ती और बहुत अच्छी बन जाएगी, बट ऐसा नहीं है। ट्राई दिस, कि पहले आप अपनी चाय को अच्छे से पानी को गर्म कीजिए और फिर उसके अंदर टी डालिए। टी डालने के बाद सारा चाय का फ्लेवर पूरे घर में स्प्रेड होने दीजिए, लोगों को लगे कि आप चाय बना रहे हो। ये मैजिक पानी में डालने से होता है,
दूध में डालने से नहीं होता है, कभी भी वो फ्लेवर दूध में डालने से आया ही नहीं भाई, मेरा तो नहीं आया, आप लोगों का आता हो तो पता नहीं। अब मेरे सारे अड़ोसी पड़ोसी घर वाले सबको पता लग गया है कि मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि फ्लेवर पूरे घर में छा रखा है। अब इसमें डालेंगे हम दूध। अब इसमें हमने दूध डाल दिया है। दूध डालने के बाद अगेन इसको बॉइलिंग टेम्परेचर पे लेके आना है, ऐसे इसमें उबाल आ जाएगा। हम इसके अंदर इसको ऊपर नीचे करके इसके अंदर एयर बबल्स इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि एक झाग क्रिएट हो। और हम वेट करेंगे कि इसमें एक उबाल आ जाए। दूध डालने के बाद हम वेट करेंगे कि इसमें चाय में एक उबाल आ जाए ताकि दूध का कच्चापन ख़त्म हो और चाय और दूध आपस में अच्छे से घुल मिल जाएँ और फ्लेवर्स अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए मिल्क के अंदर। तो वी आर वेटिंग, ये उबाल आ गया है हमारी चाय में दूध डालने के बाद। अब इसमें अच्छे से ऊपर नीचे करके इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, मतलब इसके अंदर एयर बबल्स इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब दूध को हम ज़्यादा नहीं उबालेंगे नहीं तो ठीक हो जाएगा। अब इस स्टेज पे गैस को सिम करेंगे और इसमें डालेंगे शुगर। शुगर हम लोग बहुत कम लेते हैं, लाइक 2 स्पून ही डालूंगी। ये 2 कप चाय है और 2 कप चाय में हम 2 स्पून शुगर डालेंगे, क्योंकि चाय पीते वक्त ना चीनी चीनी नहीं लगना चाहिए, चाय पीते वक्त फ्लेवर से चाय चाय लगना चाहिए। तो 1 स्पून डाल दिया है, 1 और स्पून, 2 स्पून। और 1 और स्पून। अब आप सोचेंगे कि 2 स्पून बोल के 4 स्पून क्यों डाला है, मेरी स्पून तो देखो ये टीस्पून नहीं है तो इसलिए मैंने 4 स्पून डाला। इसके जब 4 डालती हूँ तब जाके ये 2 स्पून होता है, तो मेरी कैलकुलेशन पर बिल्कुल भी शक मत करना। तो ये अब है सेकेंड टिप। ये मैं जब कतार में रहती थी तो वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड बनी थी आनंदिता, उसने मुझे समझाया था कि जब चाय में एक बार चीनी पड़ जाए उसके बाद गैस ऑन नहीं रखना है, क्योंकि चीनी को चाय के साथ उबालने से वो पॉइजनस हो जाता है, ऐसा उसने मुझे बताया था। अब पॉइजनस होता है कि नहीं होता है वो मुझे नहीं पता, पर रिस्क क्यों लेना है ना, बताया है तो सुन लेते हैं। तो मैं कभी भी चाय ना उस दिन के बाद से भाई मैं चाय कभी चीनी डाल के नहीं उबालती। अब चाय में चीनी पड़ गया तो गैस को कर दो ऑफ। अब इसको हिलाओ, इसको अच्छे से स्टेयर करो। स्टेयर करने से क्या होगा, चीनी मेल्ट हो जाएगा, गरम गरम तो है ही, चीनी को मेल्ट होने में कितना टाइम लगता है। तो अब आएगा थर्ड टिप जो कि मैंने अपनी दूसरी फ्रेंड से सीखा है और ये मैंने हाल फिलहाल सीखा है साउथ में आने के बाद। तो थर्ड टिप है, इस चाय को हम छान लेंगे एक बड़े कंटेनर में और ये मैंने रखी छन्नी। अब हमने इस चाय को एक बड़े से वेसल में छान लेना है। अब इसको हम करेंगे एयर बबल इनकॉर्पोरेट, देखिए कितना सारा फोम बनेगा। ऐसे हम इसको 2-3 बार करेंगे, बहुत सारा झाग बनेगा, ये झाग आपकी चाय पे पपड़ी नहीं बनने देगा। ये मैंने अपनी फ्रेंड अनीता से सीखा है साउथ में आके। यहाँ साउथ में हर टी स्टॉल में चाय को ऑक्सीडाइज कर, मतलब इस तरीके से एयर बबल इनकॉर्पोरेट करने के बाद ही सर्व किया जाता है और इससे चाय का टेस्ट बहुत इम्प्रूव होता है, ट्रस्ट में। कितना सारा झाग है देखिए, 3-4 बार करने से चाय थोड़ा ठंडा भी हो जाता है तो जीभ नहीं जलता मेरे जैसे लोगों का। अभी हम इसको कप में डालेंगे, चाय से इसको डालेंगे। अब इस चाय पे कभी भी
पपड़ी नहीं जमेगी। ये हमारी 1 कप ऑफ टी इज़ रेडी टू सर्व। अब दूसरे में मैं डाल के दिखाऊंगी कि कैसे हम इसको इतना ज़्यादा फोम क्रिएट करेंगे। मतलब इसकी वजह से चाय अगर आप काफ़ी देर तक भी रखोगे ना सर्व करने के बाद, तब भी उस पर ना वो नहीं बनेगा पपड़ी। टंटना, ये है मेरे 10 साल का इन्वेंशन, मेरा बेस्ट टी, और ये बहुत ही सुपर्ब होता है। आई रियली एंजॉयिंग दिस टी टाइम। इट टुक 10 इयर्स टू लर्न दिस।